4 जून 1984 को तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई कुप्पुस्वामी का जन्म हुआ था। अन्नामलाई भाजपा के किसी भी राज्य के अब तक के सबसे कम आयु के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अन्नामलाई राजनीति में आने से पहले आईपीएस अधिकारी थे। इन्हें साउथ का सिंघम भी कहा जाता है। अन्नामलाई इस्तीफा देते वक्त साउथ बेंगलुरु के डीसीपी थे। उन्होंने मई 2019 में पुलिस विभाग से इस्तीफा दिया था। साथ ही वो कर्नाटक के उडुपी जिले के एसपी भी रह चुके हैं। वहीं वर्ष 2020 अगस्त में अन्नामलाई भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर बीजेपी ने उन्हें 9 जुलाई 2021 को तमिलनाडु भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। इसके साथ ही पार्टी ने उन्हें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 में अरवा कुरुच्ची सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन 24,000 वोटों से वो हार गए थे। वहीं इस बार के 18वीं लोकसभा चुनाव में अन्नामलाई बीजेपी के टिकट पर कोयम्बटूर लोकसभा सीट से चुनावी अखाड़े में हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी के दिग्गज नेताओं को अन्नामलाई पर बहुत ही भरोसा है। भाजपा मानती है कि अन्नामलाई साउथ इंडिया में पार्टी की स्थिति मजबूत कर रही हैं। 4 जून 1959 को स्वतंत्र पार्टी नाम की एक नई राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया गया था। भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ने अपने सहयोगी एनजी रंगा और मीनू मसानी जैसे दिग्गज के साथ स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। इस पार्टी का उद्देश्य था पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों का विरोध करना। 1959 में पार्टी के गठन के बाद पहला लोकसभा चुनाव 1962 में हुआ था। इस चुनाव में नई नई बनी स्वतंत्र पार्टी ने 18 लोकसभा सीटें जीती थीं। बिहार, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा में कांग्रेस के मुकाबले स्वतंत्र पार्टी मुख्य विपक्ष के तौर पर उभरी थी। इसके बाद 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी और कामयाब हुई और 44 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इस दौरान कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी पार्टी को माने जाने लगा था, लेकिन 1971 में स्वतंत्र पार्टी को लोकसभा चुनाव में केवल 8 सीटों पर ही जीत मिलती है, जिसके बाद कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया था। फिर 1972 में 94 वर्ष की आयु में राजा गोपालाचारी का निधन हो गया और उनका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। राजा गोपालाचारी की मौत के बाद पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो गई। कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ 1974 में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली पार्टी भारतीय लोकदल में स्वतंत्र पार्टी के कई सदस्य शामिल हो गए और इस तरह से स्वतंत्र पार्टी खत्म हो गई। 4 जून 1783 को दो भाइयों ने मिलकर पहली बार गर्म हवा से भरा हुआ गुब्बारा उड़ाया था। यूरोप के रहने वाले जोसेफ माइकल और जैक एंटीने मोंटगोल्फायर ने एक पेपर बैग को गुब्बारे का आकार दिया था, फिर उसके नीचे ऊन और लकड़ी की कतरन जलाकर गर्म हवा छोड़ी थी। इसके बाद गुब्बारा आकाश में उड़ने लगता है। करीब 1000 की फीट पर गुब्बारा लगातार 10 मिनट तक उड़ता रहता है। इसके बाद जहां से गुब्बारा उड़ाया गया था उससे आधा किलोमीटर दूर गुब्बारा जमीन पर आकर गिर पड़ता है। गुब्बारे के इस पहले उड़ान से दोनों भाई इतने उत्साहित थे कि आगे चलकर उन्होंने फिर गुब्बारे के नीचे एक डलिया बांध दिया था और उसमें एक मुर्गा, बत्तख और भेड़ को सवार कर दिया था। ये गुब्बारा भी 8 मिनट तक हवा में उड़ता रहा। जानवरों के बाद इस गुब्बारे में लोग भी बैठते हैं। इसी साल के नवंबर महीने में 2 लोगों को बैठाकर हवा में उड़ाया गया था। ये हॉट एयर बैलून में इंसानों की पहली उड़ान थी। शिक्षा देश का गौरव है और आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्रम है। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। PhD, MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। PhD, MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी।
आरकेडीएफ में सवारे अपना भविष्य। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भविष्य को लेकर परेशान है? आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी है इसका हल। PhD, MPhil किसी भी विषय में, डिप्लोमा के अनेक अवसर है आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में। एडमिशन्स ओपन। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, एजुकेशन ग्लोरिफाइज नेशन। 4 जून 2001 को ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह नेपाल के नए राजा बने थे। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह का नेपाल की गद्दी पर बैठना एक मजबूरी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जून 2001 को नेपाल के युवराज दीपेंद्र ने नशे में राज परिवार के 9 लोगों की हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में उनके पिता राजा बीरेंद्र, माता रानी ऐश्वर्या और राज परिवार के 7 और लोग मारे गए थे। बताया जाता है कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहते थे, लेकिन राज परिवार इसके खिलाफ था। इससे खफा होकर उन्होंने अपने ही परिवार को गोलियों से भून डाला। इसके बाद खुद को भी गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनके चाचा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने राज परिवार को संभालते हुए राज गद्दी पर बैठे और सिर्फ एक वर्ष बाद यानी अक्टूबर 2002 में ही ज्ञानेंद्र ने निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दिया और उसके बाद से ही प्रधानमंत्रियों की नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हुआ। 4 जून 1917 से पहली बार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ये पुरस्कार पत्रकारों, संगीत के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। ये अमेरिका का पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसमें कुल 21 कैटेगरी है और पुरस्कार किसे दिया जाना है इसकी पूरी जिम्मेदारी कोलंबिया यूनिवर्सिटी संभालती है। बताया जाता है कि ये अवार्ड अमेरिका के एक प्रतिष्ठित पत्रकार थे जोसेफ पुलित्जर, उनके नाम पर दिया जाता है। उन्होंने 2 अखबार की शुरुआत की थी जिनके नाम थे सेंट लुइस पोस्ट डिस्पैच और न्यूयॉर्क वर्ल्ड। वर्ष 1917 में ये पुरस्कार रिचर्ड्स और मोड होवे इलियट को दिया गया था। ये दोनों बहनें थीं और अपनी माँ जूलिया वार्ड होवे के ऊपर बायोग्राफी लिखी थी। 4 जून 1989 को चीन ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ सेना को उतार दिया था। चीन के बीजिंग के थियानमेन चौक पर हजारों छात्र और चीनी लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां की सेना ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें कम से कम 10,000 लोग मारे गए थे। इस आंकड़े पर अभी भी बहस होती है क्योंकि चीन ने अभी तक इस मुद्दे पर कभी खुलकर बात नहीं की और ना ही सही आंकड़ा सार्वजनिक किया। चीन इस पर केवल 200 लोगों के मारे जाने का दावा करती है। बताया जाता है कि चीन के कम्युनिस्ट नेता डेंग शियाओपिंग ने देश में कई आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ ली थी, लेकिन उसके साथ साथ भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार जैसी समस्याएं भी सामने आने लगी थी। इधर धीरे धीरे चीनी लोग अन्य लोकतांत्रिक देशों से प्रभावित होने लगे। चीनी नेता डेंग शियाओपिंग ने इस सब के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हु याहोबांग को जिम्मेदार माना, क्योंकि उन्होंने ही राजनीतिक सुधारों पर खुलकर बात की थी। जब उसी साल अप्रैल में हु याओबांग की अचानक से मौत हो गई तो उन्हें श्रद्धांजलि देने और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग बीजिंग के थियानमेन चौक पर इकट्ठा हुए। इसके बाद चीन की सरकार ने सेना की मदद से उन पर फायरिंग करवा दी थी, जिससे हजारों में लोग मारे गए थे।